खुद ब खुद मिलेगी, घर से निकल तो जरा। चलना भी एक हुनर है, गिर के संभल तो जरा। तू हीरा है तो चमकेगा, धूप में जल तो जरा। वेरी वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड माई सीनियर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स। आई एम श्रुति शर्मा, स्टूडेंट ऑफ बी ए फर्स्ट ईयर ऑफ शहीद भीमा नायक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बड़वानी। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द प्रेजेंटेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी ऑफ माई सीसी। एज पर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस वी हैव फाइव सेक्शंस इन अवर सीसी। सेक्शन ए विच टॉक्स अबाउट फाइव जनरेशन ऑफ अवर फैमिली। फाइव जनरेशन का मतलब हमसे लेकर हमारे दादाजी के दादाजी तक। सो मेरे दादाजी के दादाजी का नाम था श्री रामदेव बाबा जी शर्मा। उनके चार बेटे थे जिसमें से मेरे दादाजी के पापा का नाम था श्री सावलिया राम जी शर्मा। उनकी वाइफ का नाम था श्रीमती दाखा देवी। फिर उनके तीन बेटे थे जिसमें से मेरे एक दादाजी का नाम था श्री जगन्नाथ जी शर्मा। उनकी वाइफ का नाम श्रीमती कमला शर्मा। उनके दो बेटे थे, एक मेरे बड़े पापा जिनका नाम है श्री सुनील शर्मा, उनकी वाइफ श्रीमती संगीता शर्मा, और मेरे पापा श्री हरीश शर्मा, उनकी वाइफ श्रीमती दुर्गा शर्मा। हम फिर देन आफ्टर हम तीनों, मतलब मेरे बड़े भैया ऋषि शर्मा, फिर मैं, फिर मेरा छोटा भाई अमन शर्मा। सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ माई फैमिली। नाउ कम्स टू सेक्शन बी विच टॉक्स अबाउट डेली रूटीन। सो आई वॉन्ट टू शेयर द डेली रूटीन ऑफ वेरी फर्स्ट डे 8 जनवरी 2022। On that day, I woke up at 6 a.m. in the morning and I was ready by 6:45 a.m. From 6:45 a.m. to 7 a.m., I prayed in worship to God. After 7 a.m., I used social media like WhatsApp, Instagram, and for approx 15 to 20 minutes. From 7:30 a.m., I started my studies from the subject Indian Polity. I did my studies very well with consistency of approx 1 hour till 9 a.m. From 9 a.m. to 9:30 a.m., I taken breakfast. Then within 30 minutes up to 10 a.m., I got ready for college. At 10 a.m., I went to college. Then from 10:10 a.m. to 10:30 a.m., I sat with my friends. Then I attended the history lecture from 10:40 a.m. to 11:20 a.m. After that, for approx 40 minutes, I was free in the college. From 12 p.m. to 12:45 p.m., I attended English literature lecture. Then I went to my home and reached at 1 p.m. After coming home at 1 p.m., take lunch while watching TV. After 1:30 p.m., I was planned how to make CC in a very effective manner. In 30 minutes, I have planned very well. From 2 p.m. to 3:30 p.m., I got rest while sleeping. I woke up at 3:30 p.m. and in 30 minutes, I was ready by 4 p.m. After 20 to 30 minutes, I watched my phone and I used social media. Then at sharp 4:30 p.m., I started my studies and did till 6:30 p.m. with consistency. From 6:30 p.m. to 7:30 p.m., I watched television. After 7:30 p.m., I taken dinner. From 8 p.m. to 8:45 p.m., I revised everything that I had studied during the day. Thus, from approx 8:55 p.m., I watched 2 YouTube videos. Then, and from 9:35 p.m., I used my phone till 9:45 p.m. And at sharp 9:45 p.m., I went to sleep on my bed. On that day, when I was attended history lecture, some seniors are giving explanation about how to give presentation for CC. So, I learned one quality from that students. The quality is confidence. How to build confidence in front of many people. So, मैंने ये फिर गूगल पे सर्च किया फ़ोन में और मैंने एक कोटेशन देखा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन यूर सेल्फ मैजिक स्टार्ट हैपन। मतलब जिस दिन आपने आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको आपके गोल को अचीव करने में रोक सके। सो मेरी डेली रूटीन इस टाइप से है। नाउ कम्स टू सेक्शन सी, माई गोल। सो I wanted to join Indian Civil Services and I want to become an IAS officer. I decided this because I want my career is a perfect career. Every career has its own aspects, but in this job I find diversified work profile. मतलब एक ही जॉब में अलग अलग फील्ड्स में वर्क करने का मौका और एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। इसलिए एक तो मैंने यही कारण था मेरी एम को डिसाइड करने का, देन आफ्टर कि बहुत मुझे ये जो जॉब है बहुत यंग एज में चाहिए, क्योंकि यंग एज जो होती है वो किसी भी काम को करने के लिए बहुत क्रूशियल एज होती है। यंग एज में इस जॉब को लेने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमको मिलना पड़ता है। हमारी थिंकिंग पावर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है, जिससे हमारे अंदर मैच्योरिटी भी बहुत जल्दी आती है।
सो जो भी हम लोगों का गोल होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी के गोल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट, हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हमें कब हमारी कॉलेज की पढ़ाई करना चाहिए, कब कोचिंग की स्टडीज़ करना चाहिए, कब सेल्फ स्टडीज़ करना चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमने हमारा अगर गोल अचीव कर लिया और हम लोगों में उस गोल को लेकर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हमें वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। और माइंड डिस्ट्रैक्शन, 12th तक तो हम लोगों के पास फ़ोन वगैरह नहीं होते, बट 12th के बाद हम लोग के पास फ़ोन आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे सोशल मीडियाज़ होते हैं तो उसका भी माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको भी हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और अब मेरे गोल की प्रोसेस क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करने के बाद उसमें वेरियस पोस्ट होती है, IAS, IPS, IRS, IFS ऐसे करके। तो हम लोगों की सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद हमारी एलिजिबिलिटी के थ्रू हम लोगों को उसमें से कुछ पोस्ट मिलती है। तो ये था सेक्शन सी, नाउ कम्स टू सेक्शन डी, रोल ऑफ हिस्ट्री इन माय गोल। कुछ लोग कहते हैं कि जो हिस्ट्री जो है मेरे गोल में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हिस्ट्री को सारे सब्जेक्ट की मदर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक हिस्ट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हमको उसकी हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी, मतलब वो कैसे बना था, उसकी क्या कमिटीज़ थी, उसमें कौन कौन से लोग थे, तो हम लोगों को वो पता होना ज़रूरी है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होता है। और इसमें हमारे UPSC में और वो इंडिया की मैक्सिमम एग्जाम में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते भी हैं, एंशिएंट इंडिया के, मिडिवल इंडिया के, मॉडर्न इंडिया के। तो हिस्ट्री जो है वो हमारे गोल में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नाउ कम्स टू सेक्शन ई, बायोग्राफी। सो मैंने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी लिखी है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक 100 किलोमीटर में भाषा, पहनावा, खाना सब चेंज हो जाता है, पर फिर भी हम लोग साथ में खुश रहते हैं। ये अभी हम लोगों को बहुत मतलब बहुत सिंपल लगता है, बट आज से 70-80 ईयर्स बिफोर ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ हमारे पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो अलग थे। उनको एक करने के लिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत बड़ा प्ले रोल किया। उनका बर्थ 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड में हुआ था। उनकी माता जी का नाम लाडबाई देवी था और उनके पिताजी का नाम जावेद भाई पटेल था। उनके घर की फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसलिए वो स्कूल तो गए बट उन्होंने कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। फिर भी उनके पापा ने उनको कॉलेज भेजा पर वो नहीं गए। उन्होंने घर पे रहकर ही लॉयर की तैयारी की, वो लॉयर बन गए। उनकी शादी हो गई पर उनकी शादी का उनकी पढ़ाई से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। फिर 1909 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर से, और वो 1910 में लंदन गए थे, जो वहाँ पर जो कोर्स 36 मंथ का था उन्होंने वहाँ पर वो 30 मंथ्स में कंप्लीट करके वो इंडिया आ गए। फिर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन लोगों को उनको मर्ज किया और एक हमारा इंडिया मतलब संपूर्ण स्वराज बनाया। सो ये था हमारा सेक्शन ई। एट लास्ट I want to share one quote of Malala Yousafzai. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. ये इसको सोचना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है।